हेलो भाई लोग, आ चुके हो और एक नया वीडियो लेकर सोलो लेवलिंग एराइज का। और भाई आज हम लोग जो कि बात करने वाले हैं, हमारे जो कि 21 डेज हो चुके हैं इस अकाउंट का। और भाई मैं 21 डेज में क्या क्या प्रोग्रेस किया हूँ तो सारा कुछ बताऊंगा। तो भाई वीडियो इन तक देखना, और जो भी नए बंदे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और ख़तरनाक वीडियो आते रहेंगे। और जिस बंदे को अभी तक जो कि 1000 एसेंस स्टोन नहीं मिला है, तो भाई डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर कोड मांगना, मैं कोड दे दूंगा। तो देखो यहाँ पर लॉग इन डेज है जो कि मेरा 20 डेज है सिर्फ, और 20 डेज में मैंने कितना सारा प्रोग्रेस किया वो सारा कुछ दिखा दूंगा। मैंने जो कि रिबिल भी बन गया है, जो हमारा मेन करेक्टर है, रिबिल भी बन गया है। तो भाई मैंने कितना प्रोग्रेस किया तो भाई वो भी पता चल जाएगा। अब चलते हैं यहाँ से, जो कि हमारा सॉन्ग जूनियर जो बिल्ड है भाई, ये जो हमारा मेन करेक्टर है, इसका बिल्ड मैं दिखा देता हूँ। तुम लोग क्या करना चाहिए यहाँ पर, गलती क्या जो कि नहीं करना चाहिए, क्या अच्छा रहेगा, तो भाई वो सब कुछ बता दूंगा। तो देखो भाई, मैंने जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, मेरा 55 लेवल में 85 के जो कि हमारा टोटल पावर है, एक हमारा मैन हंटर का जो कि मैन प्लेयर का, तो मैंने यहाँ पर 40 40 पॉइंट्स एजिलिटी में भी रखा हुआ। तो भाई क्यों रखा हुआ वो भी मैं आगे बता दूंगा। तो देखो भाई यहाँ पर मेरे पास जो कि आर्टिफैक्ट्स है, जो कि हमारे लेफ्ट साइड वाले आर्टिफैक्ट, तो भाई इसमें देखो भाई क्रीट हिट रेट कितना ज़्यादा है, जो कि 1482, इतना ज़्यादा क्रीट हिट रेट है। और भाई इन चारों जितने भी है मेरे पास जो टाउटनेस वाला, तो इसमें तो ऑलरेडी क्रीट हिट डैमेज इंक्रीज है 32%। तो उसके हिसाब से भाई यहाँ पर मैं अपना डिटेल भी दिखा दे रहा हूँ जो कि हमारा कैरेक्टर का। तो यहाँ पर ऑल सेक्शन में जाते हैं, और देखो भाई क्रिट हिट रेट जो कि 50% है। और भाई इसका जो कि पॉइंट्स देखो यहाँ पर क्रिट हिट डैमेज का भाई 85% सिर्फ है। तो भाई हम लोगों को यहाँ पर क्रिट हिट डैमेज ज़्यादा होना चाहिए, और क्रिट हिट रेट 50% ही मैक्स है, तो उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। और मेरा आर्टिफैक्ट्स में देखो क्रिट हिट रेट कितना ज़्यादा है, +3 +3 है, इसलिए भाई मेरा जो कि क्रिट हिट रेट का जो परसेंटेज है 50% से भी बहुत ज़्यादा हो गया है। तो भाई तुम लोगों को ऐसा नहीं करना है, तुम लोग अटैक भी रखना। देखो हम जैसे मेरे इस आर्टिफैक्ट में अटैक भी है और उसके बाद क्रिटिकल हिट रेट भी है। तो भाई तुम लोग जो कि राइट साइड सेक्शन में क्रिटिकल हिट डैमेज देखना भाई लोग, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो मेरा अटैक जो है 15 16% ज़्यादा है। तो भाई यहाँ पर देखो ये जो फर्स्ट वाले आर्टिफैक्ट है जो नेकलेस में, देखो यहाँ पर क्रिटिकल हिट डैमेज अब पर बहुत कम है भाई, यहाँ पर जो कि क्रिटिकल हिट डैमेज। तो तुम लोग यहाँ पर भी जैसे कि क्रिटिकल हिट डैमेज जो कि अच्छा खासा रखना चाहिए, तो तुम लोगों को अच्छा खासा डैमेज पड़ेगा जो कि बॉस वगैरह में। तो भाई तुम लोग वहाँ से ज़रूर ट्राई आउट करना यहाँ पर, जो कि तुम लोग लेफ्ट साइड में क्रिटिकल हिट डैमेज देखना, और नहीं, लेफ्ट साइड में क्रिटिकल हिट रेट देखना और राइट साइड में क्रिटिकल हिट डैमेज देखना। तो ऐसे करके तुम लोग अटैक प्लस भी रख सकते हो। और उसके बाद आते हैं भाई स्किल में, भाई स्किल में डिफरेंट करता है भाई बहुत कुछ। तुम लोग स्किल में वीक ब्रेक चाहिए या हैवी ब्रेक, तुम लोग अपने हिसाब से रखना, क्योंकि तुम लोगों को अपना हिसाब से स्किल रखना चाहिए जो कि तुम लोग यूज़ करते हो। तो मैं प्रायोरिटी देता हूँ ज़्यादा कि हैवी ब्रेक वाला जो कि हमारे ये जो हमारे देर डांस है, इसे यूज़ करा करो भाई, बहुत अच्छा खासा जो कि ब्रेक भी डाउन करता है और हैवी डैमेज भी देता है। तो इसे ज़रूर ट्राई आउट कर लेना भाई लोग। और उसके बाद हम लोग आते हैं अब दूसरा वाला जो कि हमारा है ये स्किल है। तो भाई दूसरा वाला में यहाँ पर आर्मर ब्रेक है, ये जो अल्माइटी ब्रेक करता है भाई, ये भी बहुत खतरनाक है। मैं फायर टाइप का यूज़ करता हूँ क्योंकि इसमें डैमेज ज़्यादा पड़ता है, पर इसे भाई जो कि चार्ज करके बूस्ट करके फिर मारना पड़ता है, तो तुम लोग ट्राई आउट करना इसे भी। और आते हैं भाई ये जो हमारे एक जो स्किल है भाई, इस स्किल में भाई तुम लोगों को स्नाइपर चाहिए, तो भाई ये वाला स्किल तुम लोग ट्राई आउट कर सकते हो, बहुत खतरनाक है, स्नाइपर एक तुम्हारे पास है तो। अब आते हैं भाई हंटर सेक्शन में, तो हंटर सेक्शन में देख सकते हो यहाँ पर जो कि हमारे पास चाह है, और हमारे पास सीओ है, चोई है, और इम्मा है, और एलिसिया है। तो पहले मैं जो कि चाह का दिखा देता हूँ भाई, चाह का बिल्ड मैंने बहुत खतरनाक बनाया है एज अ फ्री टू प्ले प्लेयर भाई, मेरा जो चाह है वन ऑफ द बेस्ट चाह है भाई। और इस बिल्ड को तुम लोग भी ट्राई कर सकते हो भाई, बहुत खतरनाक बिल्ड है, तुम लोग भी ट्राई आउट करना एक बार। और यहाँ पर देखो मेरे पास 4 स्टार है, मैंने 5 स्टार के लिए ट्राई किया था पर हुआ नहीं भाई लोग, जो कि मेरा किस्मत अच्छा नहीं था। और उसके बाद शॉट भी देखो 3 स्टार का शॉट भी दे चुका हूँ इसे। और तुम लोग एक हंटर को तो ऐसा रखना ही जो कि तुम लोगों को जो हमारे साइड साइड बैटल रहता है उसमें यूज कर सको, तो भाई ऐसे एक हंटर ज़रूर रख लेना। और यहाँ से मैं थोड़ा बहुत इसका स्किल और जो कि आर्टिफैक्ट्स दिखा देता हूँ। तो स्किल भाई तुम लोगों को पता है, तुम लोगों को अपग्रेड करना पड़ता ही है, सब जो कि जितने भी हॉन्टर्स हैं सबका स्किल तो नहीं भाई, जो टॉप 1 में है उसका मिनिमम करके ही रखना, क्योंकि भाई वो काम लगते रहता है भाई, यहाँ पर नहीं तो वहाँ पर कहीं पर जो कि साइड चैप्टर में काम लग जाता है। तो भाई जो कि फर्स्ट टॉप वाला है उसको ज़रूर स्किल अपग्रेड करके रखना, देखो मैंने करके रखा था। और आते हैं भाई इसका जो कि सेट इफेक्ट में, तो भाई टाउटनेस यूज़ करना क्योंकि इसे क्रिटिकल हिट चाहिए। और भाई क्रिटिकल हिट मैं यहाँ से दिखा देता हूँ,
जो कि देखो यहाँ पर 149% क्रिटिकल हिट डैमेज है। अब क्रिटिकल हिट रेट और जो कि हम लोगों क्रिटिकल हिट रेट इसमें जो कि हमारे चा में चाहिए, तो भाई यहाँ पर रिकमेंडेड स्टेट्स में देखना जो चाहिए इस कैरेक्टर को उस हिसाब से तुम लोग जो कि आर्टिफैक्ट्स यूज कर सकते हो, तो वहाँ से भी तुम लोग देख सकते हो। अब बात करते हैं भाई सीओ का, तो भाई सीओ एक वाटर टाइप डिफेंडर जो कि हमारा हंटर है और इसका डैमेज भी बहुत ज़्यादा पड़ता है भाई, पड़ता है डैमेज जो कि वो तीन शेर तीन जो कि हेड वाला कुत्ता के ऊपर। तो भाई यहाँ पर मैंने ये जो आर्टिफैक्ट लगाया है गार्डियन वाला वो भी सही है भाई, लोग जो कि शील्ड प्रोवाइड करता है अच्छा खासा शील्ड, और इसका भी तुम लोग यहाँ पर रिकमेंडेड स्टैट्स देख सकते हो। एचपी क्रिटिकल हिट डैमेज क्रिटिकल हिट रेट चाहिए, यही तीन कुछ तीन चाहिए, तो भाई ये ज़रूर ट्राई आउट कर लेना इसे भी, और तुम लोग अपने हिसाब से रख सकते हो इसे क्रिटिकल वाला जो कि जो हमारे आर्टिफैक्ट्स है उसे वो भी दे सकते हो या कुछ और भी दे सकते हो जो कि जैसे मैंने गार्डियन दिया था। तो अब आते हैं भाई ये जो हमारे ये जो चोई है भाई, चोई के ऊपर तो भाई मैं मैं नहीं बोल सकता क्योंकि भाई इसका सिर्फ डिफेंस डिक्रीज करता है, इसका अटैक उतना पावरफुल नहीं लगता मुझे। शायद मैं इसे फ्यूचर में रिप्लेस कर दूँ किसी के साथ क्योंकि भाई उतना खास नहीं लगा, और इसका रिकमेंडेड स्टैट है अटैक डिफेंस पेनिट्रेशन और डिफेंस जो कि डैमेज इनकी। तो भाई तुम लोग इसी हिसाब से अपना आर्टिफैक्ट्स में देखना है स्टेट्स और उसके हिसाब से लगाना। अब आते हैं भाई इम्मा, इम्मा भाई ये तो भाई फेवरेट है मेरा, पर भाई मैं इसे यूज़ नहीं करता, मैं रैंडम ही रख देता हूँ इसका जितना भी जो कि आर्टिफैक्ट्स है, मुझे उतना जो कि खास आर्टिफैक्ट्स इसको दिया नहीं है अभी तक। और आप आते हैं भाई हम लोग एलेसिया में, देखो एलेसिया भाई टॉप अभी है, टॉप वाटर डीपीएस है अभी, तो तुम लोग एलेसिया यूज़ कर सकते हो। इसका रिकमेंडेड स्टेट्स दिखा देता हूँ, अटैक वाटर डैमेज और क्रिटिकल हिट रेट, तो तुम लोग क्रिटिकल हिट रेट वाला सेट भी यूज़ कर सकते हो और विथ अटैक बूस्ट वाला, तो तुम लोग यूज़ कर लेना भाई, लोग ओपी रहेगा ये भी। और इफ इसका गेम प्ले चाहिए तो बताना, मैं उसका गेम प्ले भी लेकर आऊँगा और अच्छा आर्टिफैक्ट के साथ लेकर आऊँगा, तो भाई तुम लोगों को अभी आइडिया हो जाएगा। तो अब चलते हैं भाई मैंने 21 दिन में जो कि चैप्टर कौन सा कंप्लीट किया है, तो भाई नॉर्मल चैप्टर मैंने 17 तक पहुंचा हुआ अभी तक, और यहां से मैं दिखा देता हूं जो कि 17 के बाद यहां पर बोल रहा है 63 लेवल में होंगे जो कि नेक्स्ट स्टोरी, तो भाई यहां पर मैं अटक चुका हूं और तुम लोग शायद 15 चैप्टर में अटके हुए हो क्योंकि भाई 15 चैप्टर वन ऑफ द हार्डेस्ट चैप्टर है इस गेम का, और नॉर्मल सेक्शन में। उसके बाद आता है हार्ड सेक्शन में, तो हार्ड सेक्शन में यहाँ पर देख सकते हो भाई मैं अभी तक क्लियर नहीं किया हूँ, क्लियर कर लूँगा इसे भी। और उसके बाद आता है रिवर्स सेक्शन में, तो भाई रिवर्स सेक्शन तुम लोग 15 क्लियर करने के बाद अनलॉक हो जाता है, तो तुम लोग यहाँ पर भी खेल सकते हो, अच्छा खासा रिवार्ड मिलता है यहाँ पर भी। अब आता है भाई मैं जो कि अब दिखाऊंगा तुम लोगों को कि हम लोग कितने जो कि टोटल टीम पावर को आया 21 दिन में, तो यहाँ पर जो देखो 225 के जो कि 21 दिन में कर लिया, तो भाई मतलब कि टीम पावर डबल करने का तरीका मेरे पास है, तुम लोग भी ट्राई आउट कर सकते हो, मैंने वीडियो बहुत सारे बना के रखे हैं चैनल में, तो तुम लोग भी ट्राई आउट करना। तुम लोग भी अपना सीपी जो कि तुम्हारा टोटल टीम पावर बताना भाई कितना हुआ है अभी तक, देखूं भाई मेरे जो कि सब्सक्राइबर कितने प्रो है। और यहाँ से आता है भाई हम लोग जो कि ये जो हमारा इंस्टेंट डंजन है, और डंजन ये भाई ये इतना बुरा मैं खेलता हूँ ना भाई, क्या ही बोलूँ, मुझसे ये होता ही नहीं है, मैं टायर 8 में अटका पड़ा हुआ अभी तक भाई, देख सकते हो भाई बहुत गंदा जो कि पीटे जा रहा हूँ यहाँ पर। और भाई यहाँ पर इनकोर मिशन में भाई मैंने अच्छा खासा यहाँ पर निकाल के रखा है इनकोर मिशन में, ये जो हमारा जेंट स्पाइडर बैन है इसमें टायर 10 करके रखा हूँ, और टायर 9 तक तो 3 स्टार मार सकता हूँ इजीली। और यहाँ पर से ये जो हमारे ये जो ये सेरेब्रस है भाई, ये इतना इतना खतरनाक बॉस है भाई, क्या ही बोलूँ, इसका जो कि एक शॉट से मेरा एक हंटर जब भी मरता है, तो भाई इसके लिए एलिशिया बिल्ड कर लेना, और बाकी ये तो भाई नॉर्मल वाले है, इसे तो मैं 3 स्टार मार चुका हूँ टायर 10 का, जो कि बहुत खतरनाक और भी बॉसेस है जो कि मैं दिखा दूंगा। और भाई बॉस तो यहाँ पर है भाई ये 28 लेवल का ये जो है ना भाई, इतना गंदा मारता है भाई, क्या ही बोलूँ इसका, तो भाई मैंने यहाँ पर दोनों छोड़ दिया, हंटर और प्लेयर दोनों का मैं यहाँ पर कुछ करता ही नहीं, और अब थोड़ा बहुत टीम पावर बढ़ने के बाद मैं यहाँ पर फिर से ट्राई करूँगा। अब मैं दिखाता हूँ भाई लोग तुम लोगों को कि मेरा सर्वर रैंकिंग क्या है और मैं कितना सर्वर रैंकिंग में हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हो ये जो हमारे बैटल ऑफ टाइम चैलेंज है इसमें मैं रैंकिंग 3 में हूँ भाई लोग, जो कि सारा एडिशनल होने के बाद यहाँ पर रैंकिंग दिखाता है, तो मेरा 8 मिनट 20 सेकंड में मैंने सारा ये टायर 5 तक क्लियर कर चुका था।
और यही था भाई सर्वर रैंकिंग जो कि यहाँ पर भी, और यहाँ से देख सकते हो ये ट्रॉफी रैंकिंग है भाई लोग। तो मैं अभी जो कि 4 में हूँ, तो भाई मैं अभी भी सेकेंड कर सकता हूँ यहाँ पर इफ़ मैं चाहा तो। एक दो ट्रॉफी आगे है वो लोग, और मैं श्योर सेकेंड कर लूँगा जल्दी। तो भाई आज का वीडियो कैसा लगा बताना, कमेंट डाउन करना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग भाई लोग।